राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। मंदिर तो यहीं बनेगा, माता जी ने दर्शन दिए हैं। मामा जी, ये कैसे हो सकता है? हम इतने सालों से खेती कर रहे हैं, यहाँ हाईवे निकलने वाला है ना, विधायक जी का पेट्रोल पंप लगेगा यहाँ। हमें किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? तो समझदारी क्यों नहीं दिखाए बे? मौका तो दिया था कि नहीं तुमको? धर्म का मामला है अनवर, बाधा न पहुंचाना, भलाई इसी में है, समझे? पंडित जी, आप हमें समझा रहे हैं या धमका रहे हैं? धमका रहे हैं मान लो, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास। तो हमने भी कौन सी चूड़ियां पहन रखी है हाथों में? हथियार हम भी उठा सकते हैं। अरे कौन हथियार उठा रहा है मामा जी? लो आओ आओ, हथियार उठा रहे हैं। अनवर मियां, मीठी ईद है मना लो, बकरीद मनाने पर मजबूर ना करो। क्यों अपनी कुर्बानी देना चाहते हो भाई? लेकिन भैया जी, मुंह पे भैया पीछे से मैया करते रहते हो तुम लोग, यही समस्या है तुम लोगों की। जमीन छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे? इन फसलों से घर चलता है हमारा। तुम्हें अपनी फसलों की पड़ी है? इस भीड़ को गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारी नस्लों का क्या होगा, उसके बारे में सोचो। कौन सी भीड़ को गुस्सा दिला रहा है विधायक जी? फैसला कीजिए। फैसला क्या करना है अनवर मियां? दे दो अपनी जमीन, भले ही तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे मरे, लेकिन माता जी का मंदिर तो अब बनेगा और उस पर भोग और चढ़ावा चढ़ेगा। धर्म के आगे इंसानियत का कोई महत्व नहीं है, नहीं विधायक जी? हमें जो अच्छा लगा हमने समझा दिया, फिर बताइए हम लोग कहां गलत हैं? अगर मंदिर बनाना है तो खरीद लो इस जमीन को। अमर मियां, बताइए क्या कीमत है आपकी जमीन की? लेकिन ध्यान रहे, आपकी जमीन पर हम हिंदुओं की माता जी निकली हैं, तब ये बहुत कीमती होगी। बात जमीन की नहीं है चाचा, बात आस्था की। ये मूर्ति जहां भी निकलती, मंदिर तो वहीं बनता, अब यहां निकली है तो यहीं बनेगा। क्षेत्र के प्रतिनिधि हो, अगर इस जमीन पे तुम्हें मंदिर बनाना है तो आप अनवर मियां से बाइज्जत पैसे देके जमीन को खरीदिए, और इतना ही टुकड़ा आप इन्हें कहीं और दीजिए, ताकि अनवर अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो जिस हिंदू धर्म की तुम बात कर रहे हो आस्था की, ये लोगों को तोड़ने का नहीं, आपस में जोड़ने का एक जरिया है। और चौधरी साहब, आपने दे दिया चाचा। चाचा जी, इलेक्शन नजदीक है, इस बार हम एमपी की सीट के लिए लड़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट मिलेगा। सोचेंगे। उस अनवर की 2 लाख की जमीन हमें 8 लाख में दिलवा दी, अभी भी सोचेंगे? क्या हो गया? जो कुछ भी हो रहा है अच्छा तो नहीं हो रहा। अपनों की कोई कदर नहीं। तो बताएंगे भी हुआ क्या या यूं ही? अपना समझ के मिलने गया था, सबके सामने बेइज्जत कर दिया।
देखिए, अगर आपको ऐसी बातें करनी है तो हमें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। ज़ैनब भाभी की बात कर रहा हूँ भाईजान, ज़ैनब भाभी की। वो हमेशा उस राघव के साथ उठती बैठती रहती है। मैंने बस ये कह दिया कि अपनों के साथ भी बैठा करे। रघु, रघु चौधरी साहब की बेटी और ज़ैनब के बचपन के दोस्त, वो तो अपनों के साथ ही बैठी थी। हम तो कहते हैं कि आपको भी उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। अपनों से मेरा मतलब अपने कौम के लोगों के साथ था भाईजान, यही कह दिया मैंने उन्हें। उन्होंने आपको थप्पड़ नहीं मारा, हम होते तो यही करते। क्या हुआ, किस बात पर बहस हो रही? कुछ नहीं अबू। क्या हुआ मुस्तकीम? अबू मुस्तकीम कॉलेज जाते तो पढ़ने के लिए हैं, लेकिन वहां लोगों के साथ कुछ ज्यादा मजा भी हो रहे हैं। बेटा मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए उसकी पढ़ाई ही उसका मजहब है, ना कि उसका हिंदू या मुसलमान या कुछ और। ये सब कहने सुनने वाली बातें होती है चचा जान, अफसोस है मगर सच तो यही है। और भाईजान, बात इस घर के इज्जत की थी, इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं सका। इस घर को भी अपना ही घर समझता हूँ। हुआ है हर इंसान के लिए और खासकर हम किसानों के लिए, ये धरती उसकी मां होती है। सड़क का निर्माण होगा तो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि चांदी के चंद टुकड़ों की खातिर अपनी मां को इन सौदागरों के हाथों में बेच दें। ये राजनेता आते हैं, मुआवजे का लालच देकर हमसे हमारी जमीन को छीन के ले जाए। घर घर में चूल्हा जलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उद्योग का विकास होगा, हमारे किसान भाइयों का विकास होगा। हमें विकास चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर विनाश मुझे कतई मंजूर। कल तक जो किसान उस जमीन का मालिक था, आज उसी किसान को उस जमीन के ऊपर बने हुए कारखाने का मजदूर बना दिया जाता है, तो ये किसान का विकास नहीं, उसका विनाश है। कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वो इस बात को धर्म का नाम देके हमारे क्षेत्र में विकास को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। आगामी चुनाव में हमें अपने क्षेत्र से ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है जो सच्चे अर्थों में धरती, जो सिर्फ अपना हित नहीं बल्कि अपनों के हित के लिए चुने। अगर हम ऐसा हर किसी होने नहीं। सारा खेल बिगाड़ पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है, पर टोपी वालों ने
भाई साहब, आखिर ओम भी तो है आपके बच्चे जैसा ही ना। उत्साही जरूर है मगर दिल का बुरा नहीं है, और फिर उसको आपके आशीर्वाद की जरूरत है। उसकी जीत आपकी जीत है। ऐसी जीत का क्या फायदा शिवा, जो अपनों को ही अपनों से लड़ा दे, वो भी धर्म के नाम। अन्याय के रास्ते पे चलने वाले किसी भी व्यक्ति को हमारा सहयोग नहीं है, फिर चाहे वो हमारा बेटा ही क्यों ना हो। आपने हमें गैर बना दिया। बिल्कुल नहीं, ये भी तो अपने ही है जिनकी जमीन के ऊपर कब्जा कर कर माता का मंदिर बना रहे। बिल्कुल है अपने है, थोड़ा सा फर्क है, जो हमने नहीं उन्होंने किया है। और एक बात बोले भाई साहब, जिसको आप अपना कह रहे हैं ना, इतिहास गवाह है, वो किसी के सगे नहीं रहे हैं। जमीन हो या जमीर, ये मजहबी नहीं होते, और ओम जैसे तो इन दोनों को ही मजहब के रंग में रंग देता। अच्छा लगा, आते रहना। बड़ी उम्मीदें हैं चौधरी साहब, ख्याल रखिएगा। हमेशा हमारे ही लोगों के साथ क्यों होता है? ये चुन चुन करके हमें ही टारगेट क्यों किया जाता है? मुंबई में, मेरठ में, गुहाना में कितने घर जले, कितने सर कटे, अंदाजा है आपको? बात अगर सिर्फ आवाम की होती तो शायद चुप रहते हम, लेकिन अब नहीं, बात हमारे कौम की है। ये जुल्म, ये सितम अब और बर्दाश्त नहीं। बोलो हाँ कि ना। कल एक खबर आई थी कि कैराना में एक गाय के कटने से दंगे भड़क गए। ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है। बड़ी अच्छी बात है, अगर गाय तुम्हारी माता है तो मां की इज्जत करो, मां का एहतराम करो। उन्हें यूं ही बाजार में भटकने के लिए क्यों छोड़ देते हो? उनका सौदा क्यों करते हो? बाजार में उनकी बोली क्यों लगाई जाती है? क्या हम जबरदस्ती करते हैं? लोग कहते हैं कि आलम खान फिरका परस्त है, आलम खान यह परस्त है, आलम खान वो परस्त है। नहीं, आलम खान केवल इस्लाम परस्त है। मैं यहां सियासत करने नहीं आया हूं। मैं सरकार में रहूं या ना रहूं, अगर हमारे लोगों पर जुल्म होगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। हमसे कहते हो कि हिंदुस्तान छोड़कर चले जा, हम इतनी आसानी से हिंदुस्तान छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। और खुदा की कसम, अगर 25 करोड़ मुसलमानों को 15 मिनट का मोहलत दे दी जाए तो हम 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि हम ना मर्दों की हम नहीं है। बोलो हरा कि ना।
प्रेमी हैं तो दो गज जमीन का टुकड़ा लेकर दफन होते हैं। तुम तो जलकर फिजाओं में आग हो जाते हो। शुक्र करो कि आज हमारे हाथ में ये माइक है। अगर कल को इस माइक की जगह कुछ और हो जाए तो खुदा की कसम हिंदुस्तान की तवारीख में लोगों ने इतना खून खराबा नहीं देखा होगा जितना कि अब होने वाला है। मोहब्बत करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें नहीं पता कि मैं किसी और की अमानत हूं? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम बात समझने की कोशिश तो करो यार। गलतफहमी है यार तुम्हारी। गलतफहमी? खाओ मेरी कसम कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। खामोशी से जवाब मिल गया है मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा? यार कैसे समझाए तुम्हें हम? यार कोई जान के करता है क्या? हो जाता है अपने आप। मैं भी हो गया। घर प्यार का अंजाम निकाह या शादी तो नहीं है ना सैनब? तुमने एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि जब मुझे इसका पता चलेगा तो मुझ पर क्या गुजरेगी? ये बोल सकते थे हम। बहुत पहले तुम्हें कह चुके होते। तुम्हारी दोस्ती को नहीं होना चाहते थे इसलिए चुप रहे। कुछ नहीं, उम्र दोस्ती तो नहीं रहेगी ना जरा। रघु बोलो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ले जाइए। नहीं आते हैं।
से कैसे होगा पोस्टमार्टम? भाई मरा है हमारा। विधायक जी, शहर का माहौल बहुत खराब है, हमारा सहयोग कीजिए। अरे हम लोग तो सहयोग ही कर रहे हैं पांडे जी, सौतेला व्यवहार तो आप कर रहे हैं। बताइए क्या मिला चौधरी जी, सहयोगी तो कर रहे थे। हमें अपना ड्यूटी करने दीजिए, आप अगर ड्यूटी कर रहे होते तो ये नौबत नहीं आती। अब चिता तभी जलेगी जब उधर से भी जनाजा हो। हमें अपना काम मत समझाइए। जानते हैं आप यहाँ क्यों आए? विधायक जी से बहस कर रहे हैं। शांत हो जाइए आप लोग। हमारा बेटा मरा है विवेक, नहीं मैं अपने बेटे की लाश पर राजनीति नहीं होने दूंगा। पांडे जी, मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो हिंदू हित के काम ना आए वो बर्बाद जवानी है। मगर आप लोग की जवानी क्या है? आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है, आपकी बहू बेटियों को न सिर्फ छेड़ा जाता है बल्कि छल प्रपंच से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और आप लोग चुप बैठे। आपको तो पता है ना कि चौधरी के बेटे के साथ क्या हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप क्या थे और क्या हैं। आप भूल गए हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। आप ये भी भूल गए हैं कि आगरा, मेरठ, मथुरा और गोधरा में क्या हुआ था। चलिए छोड़िए, आप तो ये भी भूल गए हैं कि बस्ती, अमेठी और मलियाबाद में क्या हो रहा है। तो क्या बात करें भैया जी, आप आदेश करो, हम एक सीट बजा देंगे। क्या भाइयों, इतिहास सिर्फ वीरों का होता है, कायर कभी इतिहास नहीं बना। वीर भोग्य वसुंधरा, आप संगठन और क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपका दायित्व है कि कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि आपके क्षेत्र में ना होने पाए, ना गोकशी, ना ही पाकिस्तान के झंडे। एक बात और, जिन्हें भारतवर्ष अपनी मातृभूमि नहीं लगती उन्हें यहां से जाना ही। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सब समझदार हैं और क्या करना है आपको पता है। बाकी राम जी के पास। लोकसभा का चुनाव तो तुम जीते रहे हो, सोच रहे हैं कि विधायक ही हम लड़ रहे हैं, क्यों? देखो ये भी विधायक बनेंगे, शरीर का बोझ संभाला नहीं जाता है, विधानसभा संभालेंगे। ओ मामा, अंग भी क्या है क्या? Hey!
आप लोग चलिए, मैं हूं। मुस्किन, क्या ये सब, क्या कर रहे हैं आप? आपने कुछ खाया भाईजान? हमने पूछा क्या कर रहे हैं आप? हमारी हिफाजत के लिए है। गलत कर रहे हैं, हमें बाहर जाना। भाईजान, बाहर पुलिस हमें ढूंढ रही है, खतरा है। खुदा का वास्ता बैठ जाइए। हमें परवाह नहीं मुस्तकीम। जनाब, कैसी हैं आप? भाई, रघु कहाँ है? सलीम, मैंने कुछ पूछा, रघु कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? मार डाला। हिंदू की हो या मुसलमान की, वो केवल वोट बैंक नहीं है, इंसान है। हम चाहेंगे कि आप पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित कीजिए। और हाँ, किसी भी किस्म का खून खराब आप बर्दाश्त नहीं होगा। Thank you.
देश की फिक्र हमें भी है मिथिलेश जी, हम ध्यान रखेंगे। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। कर्नल साहब। सर। क्या हालात है मलिहाबाद में? सर हालात में सुधार है, मलिहाबाद सुरक्षित है सर। गुड, हमें आपसे यही उम्मीद थी, हमें अपडेट रखिएगा। यस सर। जय हिंद। सर सीएम साहब का फोन तो अब तक आ गया होगा, पर ध्यान रहे शिकायत का मौका हमें भी नहीं मिलना चाहिए। सर बस आप हमारा ऑर्डर्स फॉलो करते रहिए, अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो पूछ लीजिए, तो मुझे आपकी बड़ी फिक्र रहती है। जी सर। फायदा नहीं है सर, मुझे माफ कर दीजिए। हमने तुम्हें बचा तो लिया, पर हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे बेटे। मैं हार जाऊंगा इस हर हर महादेव चिल्लाते हुए प्रेम के सामने। मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूं। मैं आपको और चाची जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कल से आज तक हमारे 22 कार्यकर्ता पकड़े जा चुके हैं। 22 नहीं 32, और हमारी बात खत्म होने तक 45 हो जाएंगे। अगर ऐसा ही रहा तो जो आग हम लोगों ने लगाई है शहर में तो बुझ जाएगी। ऐसा है मामा जी, शांति को अशांति में बदलने के लिए भीड़ की नहीं पकड़िए। सिर्फ एक पत्थर की जरूरत है। कबूतर देख रहे हैं? चौधरी साहब आप तो जानते हैं शहर का माहौल कितना खराब है, पूरा मलिहाबाद जल रहा है, हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है, आप प्लीज मुझे रात भर की मोहलत दें, मैं कल सुबह जैनब को अपने साथ ले जाऊं।
जमा बाजार के पीछे वाली गली में हूँ जी। जैनब मेरे साथ, इस बच्ची को यहाँ से सुरक्षित निकालें। चौधरी साहब आप वहीं रहिए, मैं अभी पहुंचा। जी बेहतर। जय श्री राम। गाड़ी जुम्मा बाजार की तरफ हो। फोर्स लेके जुम्मा बाजार पहुंचो तुरंत। सर फोर्स का वेट कर ले। गाड़ी रोको, नीचे उतरो। और किसी को पुलिस फोर्स का इंतजार करना हो तो नीचे उतर जाए। सॉरी सर। चाचा जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे इस भीड़ के हवाले कर दे, मुझे जाने दे। एक जान बचाने की कीमत इतनी छोटी तो नहीं हो सकती ना। जब तक मेरे शरीर में प्राण बैठे तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं अब और लाशें नहीं देख सकती। पुलिस फोर्स अभी तक पहुंची नहीं है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप और जैनब यहां से निकल जाएं। चौधरी साहब जल्दी करिए और अपनी हिफाजत के लिए ये अपने पास रखिए। आइए चलिए, आइए जल्दी करिए। यदि मुझे मार के तुम्हारे धर्म की रक्षा करती है तो खराब,
अभी तक मैं जैनब की रक्षा कर रहा था, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा भगवान उसकी रक्षा करेगा। वही भगवान जिसके ऊपर तुम लोगों को आस्था है। जीत अधूरी है, इस बार आपकी एमएलए की सीट पक्की है। मामा जी अब तो सीट पक्की है अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you.
लाज लीती है, मारना पड़ता है, क्या करें? तुमसे ही सीखा है वो। शरीर का बोझ संभाला नहीं जाता है, विधानसभा संभालेंगे।